के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष अपना दल श्री राम लोटन बिंद जी, जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी श्री राम आश्रय बिंद जी, श्री राम सकल जी, पूर्व विधायक श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी, चेयरमैन डीसीबी श्री जगदीश पटेल जी, विधानसभा के प्रभारी श्री हौसला प्रसाद पाठक जी, संयोजक शिव शरण राय जी, ब्लॉक प्रमुख इंद्र बहादुर पांडे जी, ब्लॉक प्रमुख मजवा श्री दिलीप कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण, मिर्जापुर जनपद और मजवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मां विंध्यवासिनी के इस पावन धाम से जुड़े हुए जनपद और मजवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं की आज की सभा के अवसर पर मैं सबसे पहले मां विंध्यवासिनी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एक साथ यहां पर 765 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों को हृदय से इन सभी योजनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए, उनकी पहल के लिए धन्यवाद देते हुए, इन योजनाओं का लाभ आप सभी को प्राप्त हो इसकी प्रार्थना मां विंध्यवासिनी से करता हूं। बहन और भाइयों, याद करिए, आज यहां पर यह मंच अनेक योजनाओं को लेकर के आया है। इसमें विकास भी है, यहां पे रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम भी है, यहां पर आने वाले समय में यह जनपद भी एक विकसित जनपद के रूप में प्रधानमंत्री जी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे पाएगा। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर यह मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है। बहन और भाइयों, 10 वर्ष पहले मिर्जापुर जनपद की क्या स्थिति थी? इस जनपद में कनेक्टिविटी का अभाव था, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। मां विंध्यवासिनी धाम के पवित्र मंदिर और त्रिकोण के रूप में विख्यात इस पवित्र शक्ति पीठों की क्या स्थिति रहा करती थी? यहां की सड़कों के क्या हालात थे और किस प्रकार से यहां गुंडा राज और माफिया राज हावी था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहन और भाइयों, आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को पिछले 7.5 वर्ष के अंदर देखा है, बदलते हुए मिर्जापुर को भी आपने महसूस किया होगा, इसका एहसास किया होगा। आज मैं भी गौरव की अनुभूति करता हूं, अब हमारा मिर्जापुर जनपद भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि मिर्जापुर के पास यहां की पहचान मां विंध्यवासिनी का पावन धाम आज भव्य और दिव्य रूप ले चुका है और पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
आज आप देख रहे होंगे कभी मां विंध्यवासिनी के धाम में आज से 5 वर्ष पहले जाते थे, क्या कंजेशन था, कितना संकरी गलियां थी, भय लगता था कि पता नहीं नवरात्रि के दौरान क्या होगा। लेकिन इस बार जब शारदीय नवरात्रि में जो 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है, जब आप जाएंगे तो आपको एक भव्य और दिव्य धाम के दर्शन होते हुए दिखाई देंगे और आप भी महसूस करेंगे कि वाह, अगर यही काम पिछली सरकारें भी करती तो यह जन आस्था को सम्मान मिलता। बहनों और भाइयों, अब हमारा मिर्जापुर जनपद भी कह सकता है कि हमारे पास भी अपना एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज नहीं तो बीएचयू था वाराणसी में और प्रयागराज में था मेडिकल कॉलेज, ये बीच में कुछ भी नहीं था। आज तो आपके पास यहां मेडिकल कॉलेज प्राप्त हो गया है, मेडिकल कॉलेज प्रारंभ भी हो चुका है, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलनी प्रारंभ हो चुकी हैं। मेडिकल कॉलेज के बाद फिर यहां पर यहां की माननीय सांसद और माननीय विधायकों ने मुझसे कहा कि नहीं, यहां के लिए अब मां विंध्यवासिनी के धाम में एक विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। बहनों और भाइयों, आज आपका विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है, बहुत शीघ्र अगले सत्र में हम लोग यहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करवाएंगे। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है, निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। एक भव्य विश्वविद्यालय मां विंध्यवासिनी के नाम पर आपके जिले को प्राप्त होने वाला हो गया है। बहनों और भाइयों, आज 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जनपद जुड़ा हुआ है। यहां पर इसकी एक नई पहचान बनी है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया था और उस समय उन्होंने कहा था बाण सागर परियोजना से किसानों के लिए यह लाभदायी होगा, 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन हमारे सामने चुनौती थी बिंद क्षेत्र में पेयजल का संकट कैसे दूर होगा। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विजन का परिणाम है और जिस दिन ये पूरी तरह जमीनी धरातल पर योजना उतरेगी, न केवल जल की, पेयजल की, शुद्ध पेयजल की समस्या का समाधान होगा बल्कि शुद्ध पेयजल के कारण लोगों को अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अभी तमाम जल जनित जो बीमारियां होती है, इन बीमारियों की रोकथाम के लिए हम दवा भले ही कराते हैं लेकिन अगर प्राकृतिक पद्धति से आप देखेंगे तो वाटर थेरेपी उसका एक माध्यम बनेगा, शुद्ध पेयजल उसका एक माध्यम बनेगा और जल जीवन मिशन इस महत्वपूर्ण अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का ही अभियान है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बिंद क्षेत्र में हर घर नल की योजना भी क्रियान्वित हो रही है और यही नहीं, हम लोगों ने यहां पर मिर्जापुर के साथ साथ सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। सोनभद्र के मेडिकल कॉलेज में भी इस सत्र में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं और इस सत्र में वहां पर यहां के युवा के लिए मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सोनभद्र भी एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा और अब तो मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की भी पढ़ाई प्रारंभ होगी, बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए प्रदेश और देश के अंदर अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। 100% प्लेसमेंट की गारंटी देने वाला है नर्सिंग का क्षेत्र। अगर बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और उसी पढ़ाई लिखाई के लिए नर्सिंग के क्षेत्र में भी उसको एक नई संभावना मिले, इसके लिए कार्यक्रम, इस 765 करोड़ रुपए की परियोजना जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने
अपने प्रस्तावों के माध्यम से आगे बढ़ाया था, चाहे वह शिक्षा के हो, चाहे वह स्वास्थ्य के हो, चाहे वह पेयजल के हो, चाहे वे कनेक्टिविटी के हो, चाहे वह पशु पालन से हो, तकनीकी शिक्षा का हो, व्यावसायिक शिक्षा का हो या उच्च शिक्षा का, आपके जीवन में आने वाली हर समस्या के समाधान का ये 765 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए मैं मिर्जापुर वासियों को और खास तौर पर मझुआ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पहाड़ी ब्लॉक से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण स्थान पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए, याद करिए, इससे पहले योजनाओं को देने में भेदभाव होता था। पिछले दिनों हमारे डिप्टी सीएम आए थे, मंत्रीगण आए थे, यहां पर रोजगार मेला लगा था, ऋण मेला लगा था, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण हुए थे, अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया था। बहनों और भाइयों, ये उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का क्रम है। याद करिए, इन योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव के गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को मिला। हमने जाति खेमे के आधार पर बांटने का प्रयास कभी नहीं किया। हम मानते हैं समाज में विष दमन करने का नहीं, सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का होना चाहिए। और राष्ट्रीय एकता अगर मजबूत है, देश सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित हैं। और अगर हमारा देश ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या करेंगे? बहनों और भाइयों, आज यही कारण है हमारे देश की सीमा सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, एक सुरक्षित भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाते हैं, पूरा देश पलक पावड़े बिछा करके उनके स्वागत के लिए आता है, खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, यह इसलिए क्योंकि मोदी जी का समर्पण देश के लिए है, अपने देश के लिए है। हर काम देश के नाम, उसके माध्यम से जन योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को, विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हो रहा है। विकास के कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ना और रहने के कार्य हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ विकास के कार्य हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये विकास के लिए भी है, जन कल्याण के लिए भी है, गरीब कल्याण के लिए भी है, और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने वाले भी हैं। बहनों और भाइयों, आज जब बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर ये डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है, एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला तक को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह केवल विकास की योजना को पहुंचाने का कार्य नहीं कर रहा है, हर दलित को, हर गरीब को उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का काम भी कर रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मुझे याद है जब 7.5 वर्ष पहले हम लोग इस क्षेत्र में आते थे, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें योजनाओं से वंचित करके रखा गया था। आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार ने तय किया कि कौन जाति हो, चेरो हो, गौड़ हो, या फिर नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र में जनजाति, थारू जनजाति, इन सभी को योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। सबके लिए मकान होगा, सबको मकान की सुविधा देंगे, सबको शौचालय की सुविधा देंगे, सबके पास राशन कार्ड की सुविधा होगी,
सबको आयुष्मान की कार्ड की सुविधा होगी, उनके गांव को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य होगा, उनके घर तक पानी भी और बिजली भी पहुंचाने का कार्य होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, सफलता पूर्वक इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने तो भेदभाव नहीं किया। आज आपने देखा होगा युवाओं को यहां पे स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। क्या ये जाति देख करके? नहीं, इन योजनाओं का लाभ उन युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज एक कार्यक्रम यहां पर उन्हें वितरित किया जा रहा है। यूपी के अंदर हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को, याद करिए, 2 करोड़ युवा जब टैबलेट स्मार्टफोन के माध्यम से अपनी तकनीकी दक्षता के माध्यम से इसका लाभ देश को देंगे तो भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर होगा। भारत विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। जिन युवाओं को आज रोजगार पत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन लोगों को आज यहां पे ऋण वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिन महिला स्वयंसेवी समूहों को रिवॉल्विंग फंड का पैसा या बैंकों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ये सभी कार्यक्रम उसी व्यवस्था के हिस्से हैं। मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भी एक बहन को आज यहां पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अनुदान की पहली किस्त जारी होती है। बहनों और भाइयों, 56 लाख गरीबों को मकान दिया गया है कि पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ 62 लाख से अधिक गरीबों के लिए एक एक शौचालय का निर्माण करवाया गया। आज उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत ने ग्राम सचिवालय का निर्माण करके वहां पे एक कर्मचारी की तैनाती कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में करते हुए गांव की सुविधा गांव के अंदर ही गांव के लोगों को प्राप्त हो, जिनके लिए उन्हें जिले के अंदर, तहसील के अंदर, ब्लॉक के अंदर जाना पड़ता था, बार बार जाना पड़ता था, आज ऑनलाइन यह व्यवस्था वहीं पर उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलना कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण का परिणाम है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आए हैं। और तो मैं तो मिर्जापुर और विंध्य क्षेत्र के सभी युवाओं का आह्वान करूंगा, हमारी सरकार एक निर्णय करने जा रही है, जो भी युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता, अपना बिजनेस स्थापित करना चाहता है, वो अपना अभी से नामांकन प्रारंभ कराएं। हम अगले कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। ब्याज की जो भी धनराशि होगी वह राशि सरकार देगी, वह अपना मूलधन अपने व्यवसाय के साथ जोड़े और उसके माध्यम से अपने व्यवसाय को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें।